हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक का डिज़ाइन। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर बुकरम का पेस्ट लिया है, जो मैंने चिपकाने वाले लिए है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 8-8 इंच ली है डबल फोल्ड करके। और मैं इसकी चौड़ाई का मार्किंग करूँगी 5.5 इंच पर। आप इसे कम भी रख सकते हैं चौड़ाई। ये मैं बोट नेक बनाऊँगी थोड़ा फैला हुआ, और ये लंबाई मैंने 3 इंच ली है। और फिर इसी तरह से मैंने इसका ये बॉक्स बना लिया, और यहाँ पर मैं बोट नेक की शेप दे दूँगी। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कैसे शेप दे रही हूँ। और इसके बाद मैंने क्या करना है, 2-2 इंच पे मार्क करना है इस पूरे ही जो मैंने बोट नेक किया है, इसकी बॉर्डर बनाना है 2-2 इंच पे। ये बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। इसी तरह मैं यहाँ पर पूरा नेक पे बॉर्डर बना लिया है मैंने। अब इसमें इसको जॉइन कर लूँगी। इसके बाद 1/2 इंच पे और एक बॉर्डर बना लूँगी मैं इसका। अब यहाँ पर मैंने एक बुकरम का पेस्ट लिया है, जो क्या इसका मैंने यहाँ पर, आप पेपर भी ले सकते हैं, 2 इंच पे मैं मार्क करूँगी इसका, और ऐसे करके एक पत्ती ड्रॉ कर लूँगी और फिर इसे कट कर लूँगी। ये डबल फोल्ड है, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, ऐसे ये मैंने कटिंग कर लिया है, ये एक लीफ बन गई है। और आपने अब क्या करना है, इसे बिल्कुल सेट करना है अच्छे से। और ये डबल, सबसे पहले आपने डबल फोल्ड ही रखना है इसे, और चॉक से मार्किंग कर लेनी है, या आप पेन से भी कर सकते हैं मार्क। अब यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से, आप गैप रख सकते हैं यहाँ पर, आप चाहें तो इससे इतना ही रखें गैप, तो आपको बाहर पलटने में आसानी होगी सिलने के बाद। मैंने यहाँ पर 2 फिंगर्स का गैप रखा है बीच में। फिर मैंने इसे खोल के पत्ती को पूरी ड्रॉ की है, और फिर इसी तरह 2 फिंगर्स का गैप रखूँगी, और ऐसे फिर ड्रॉ कर लूँगी। इसी सेम प्रोसेस से आपने जितने चाहे ड्रॉ कर लेनी है। ये मैंने नेक जो लेना था, ये पूरा फुल शोल्डर पे लेना था, और ये आप इसको कम भी ले सकते हैं, इसकी चौड़ाई जैसे मैंने यहाँ पर 5.5 ली थी, आप 5 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर से मैं कट कर लूँगी। अब यहाँ पर नीचे से भी मैं इसे कट कर लूँगी। अब ये जो हमने ड्रॉ किया था, इनको हमने कट करना है। सबसे पहले जैसे कि हमने यही वाला कट करूँगी जो डबल फोल्ड पे हमने कट किया था। अब मैंने ये ऐसे ये वाले कट करने हैं जो पूरी पूरी लीव्स हैं। ये आपने बहुत ही ध्यान से कट करना है। ध्यान रहे आपका ये जो नेक है बिल्कुल वहीं पर रहे जहाँ पर ये हमने ड्रॉ किया था, वरना ये थोड़ा उधर इधर उधर हो जाएगा। ये देखिए, मेरा बिल्कुल इक्वल ही कटा है जिधर से, जो दोनों साइड से। अभी मैं इसे पेस्ट कर लिया है मैंने। आपने इसकी चौड़ाई मेजर करनी है। इसकी चौड़ाई 11 इंच आएगी, और ये मैंने पेस्ट कर लिया है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं कट लगा लूँगी। आपको ये कुर्ती पे या फिर चोली पे बनानी है, यहाँ पर मैं इसे फ्रॉक की चोली पे बना रही हूँ, वहीं पर मिडल में मैंने जैसे इसे कट कर लेना है, और दोनों कट को मिलाते हुए स्टिच करना है। पहले मैं इसमें रफ़ स्टिच दूँगी ताकि हमारा नेक बनते हुए हिले नहीं। ये हमारा मेन काम है, ये थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैंने पहले लंबाई में सिलाई लगाई है, अब मैं यहाँ पर रफ़ स्टिच दे रही हूँ इसे नेक को सिक्योर करने के लिए। ये मैं बाद में उधेड़ दूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्टिच कर दी जिससे ये अच्छी तरह से सिक्योर हो गया है। अब ये देखिए, जैसे जैसे हमने कटिंग की है, इसके बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर ही हमने सिलाई करनी है, आप देख सकते हैं वीडियो में। जब आप दूसरी साइड पे टर्न करें तो आपने सुई अंदर रखनी है,
कपड़े के। और ऐसे करके हमने, अब देखिए आप, दोबारा जब मैं टर्न करूँगी तब भी मेरी सुई अंदर ही है। ऐसे करके मैं बहुत ही अच्छे से मैं अपने ये नेक को सिलाई लगा लूँगी। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ। बहुत ही आराम आराम से आपने लगानी है ये सिलाई। देखिए मेरी सुई हमेशा अंदर ही रहेगी जब मैं टर्न करती हूँ। ये जब बन जाएगा ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा बनने के बाद नेक मेरा। इसी तरह मैं इसे पूरा कर लूंगी नेक को अपने। बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर लगानी है, ना बुकरम के ऊपर ना बुकरम से थोड़ा दूर। मैंने इसको इसलिए आपको पूरा दिखाया है। अब ये जो मैंने इसकी रफ स्टिच उतार दी है, देखिए मैं इसको कच्चा था तो मैंने इसको निकाल दिया, ये मेरा उधड़ गया है। अब यहाँ से कटिंग कर दूंगी सिलाई से थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर। अब इसी तरह देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने थोड़ा बीच में कट लगा लिए थे। और फिर हम इसे, ये जो हमारा फैब्रिक कपड़ा दिखा है ये बुकरम से अलग, इसको हम कटिंग कर लेंगे। गाइस अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह मैं सारे कट कर दूंगी। बहुत ही ध्यान से कट करना है आपको ताकि हमारी सिलाई ना कट हो। मैंने सब कट कर लिया। अब इसी तरह मैं हल्के हल्के से कॉर्नर कट कर लूंगी ताकि टर्न करने में हमें, देखिए जो मैंने 2 इंच का गैप लिया था ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर से ये निकलने में ईजी रहेगा, वरना ये बिल्कुल भी आपका फट सकता है नेक, कपड़ा ख़राब हो जाएगा आपका अगर आप इससे कम लेंगे। इसे मैं किसी नोकीली चीज़ से बाहर कर लूँगी, कैंची की हेल्प से या आप किसी पिन से कर सकते हैं बाहर। इसी तरह करके मैंने आप ये सारे दूसरी साइड पे टर्न कर लेने हैं सीधी साइड पे। ये मैंने टर्न कर लिया, इसके बाद प्रेस कर लेनी है। और यहाँ पर मैं तुरपन भी करवा लूँगी, चाहे आप सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ हमारा नेक ऑलमोस्ट रेडी है, बस हमने यहाँ पर मोती लगाने हैं। देखिए मैंने मैचिंग मोती लिए हैं पर्ल, आप चाहें तो इससे बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं, मैंने मीडियम साइज़ लिया है। बहुत ही अच्छे से आपने दोनों में सिक्योर करना है इसे अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पर एक लगा कर दिखा दिया है आपको। ये इतना भी मुश्किल नहीं है नेक बनाना, बहुत ही इजी है। इसी तरह मैं पूरे में लगा लूँगी। बनने के बाद बहुत, ये रहा मेरे नेक का फाइनल लुक, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा है बनने के बाद। आप चाहे इसको कुर्ती पे बनाएं या फ्रॉक पर, मैंने इसको फ्रॉक पर बनाया है, ये मैंने लेयर्स वाली फ्रॉक पर बनाया है। और ये नेक बहुत ही ब्यूटीफुल लगा है बनने के बाद। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं ये वाली वीडियो डालूंगी जो कि लेयर्स वाली फ्रॉक है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगी है ये बनने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।